हम बात कर रहे हैं ONGC की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ देख सकते हैं। स्टॉक जो है 295.45 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद बाउंस बैक किया था स्टॉक ने, अगेन गिरावट आई थी, इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया था। हमने डिस्कस किया था 300 का लेवल ब्रेकआउट दिखा सकता है। और आप चार्ट पे देखें, कल के दिन में बड़ी गिरावट हमको मार्केट ने दिखाई थी, लेकिन ONGC में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई। स्टॉक अपने रिसेंट हाई और मेजर रेजिस्टेंस 300 के आसपास ही सस्टेन करता नज़र आ रहा है। तो एक सिग्नल है 300 के लेवल के ब्रेकआउट का, 300 का जो रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट स्टॉक दिखा सकता है। देख सकते हैं आप पहले कहाँ सपोर्ट लिया था, 280 के ऊपर। अब जंप के बाद गिरावट आ रही है तो कहाँ सपोर्ट ले रहा है, 290 के ऊपर, यानी अपने लो ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, ऊपर की ओर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे क्योंकि मार्केट गिरावट का सिग्नल दे रहा है, मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इसीलिए हम ये जो इसका हाई है 300 का लेवल ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2-3 दिन सस्टेन होने देते हैं। अगर ये सिनारियो ONGC दिखाता है तो यहाँ से फिर अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा नीचे की ओर। जब तक जो लो है जहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था 280 का लेवल, इसके ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस बने हुए। अब इमीडिएट टारगेट 300 का लेवल है, ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 320 तक का टारगेट दिखा सकता है, यहाँ तक का भी जंप फिर देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।